प्रकरण अदालत में है, अदालत के विचाराधीन है। अदालत अपना काम करेगी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने बड़ा ऐलान किया है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने एक चिट्ठी के जरिए आंदोलन या सड़क पर प्रदर्शन की बजाय अब अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ने की बात कही है। दरअसल उन्होंने लिखा है कि सरकार के साथ 7 जून को बातचीत हुई, सरकार ने पहलवानों के साथ किए वादे पर अमल करते हुए महिला कुश्ती खिलाड़ियों की ओर से महिला उत्पीड़न और यौन शोषण के संबंध में की गई शिकायतों पर FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करके 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। आगे उन्होंने लिखा कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। उन्होंने लिखा कि कुश्ती संघ के सुधार के संबंध में वादे के अनुसार नई कुश्ती संघ के सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए चुनाव की तारीख 11 जुलाई को होना तय है। बहरहाल इसके संबंध में सरकार ने जो वादे किए हैं उस पर अमल होने का इंतजार रहेगा। पहलवानों के इस ऐलान के बाद भारतीय संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर पहलवान अदालत में लड़ेंगे तो गलत क्या है, मामला अदालत के विचाराधीन है। वो अदालत में लड़ेंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? अब अदालत में तो है ही है, क्योंकि 5 महीने तक ये चला था। देखिए मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, प्रकरण अदालत में है, अदालत के विचाराधीन है। तो सर आपको लग रहा है कि अब सही होगा, चूंकि आप जंतर मंतर के लंबा प्रदर्शन आपके खिलाफ हो रहा था, आप अदालत में होगा तो एक जांच प्रक्रिया सही तरीके से होगी? अदालत अपना काम करेगी। सर एक्शन प्लान है आपका आगे का? बता दें कि विनेश फोगाट अगले महीने बुडापेस्ट में पॉलिक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं। विनेश को उनकी पसंद के कोच और फिजियो भी दिए गए हैं। बुडापेस्ट इवेंट कुश्ती साल 4थी और आखिरी रैंकिंग सीरीज है। एडहॉक कमेटी और सरकार के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में विनेश के नाम को मंजूरी दी गई। बहरहाल पहलवानों ने बीते 5 महीनों से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए बृजभूषण के खिलाफ 18 जनवरी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया गया था। इस दौरान उन्होंने बृजभूषण के इस्तीफे की मांग के साथ गिरफ्तारी की भी मांग की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज की। हालांकि बाद में नाबालिग पहलवान ने FIR में लगाए गए अपने आरोपों को वापस ले लिया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करके नाबालिग पहलवान का केस बंद करने के बारे में कहा है। प्रकरण अदालत में है, अदालत के विचाराधीन है। अदालत अपना काम करेगी।